अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हमने जो अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है दैट इज पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। ओके, आज हमने हमारा फर्स्ट लेक्चर है इस चैप्टर का जो कि चैप्टर नंबर 3 है। ओके, और इसमें हम जो है वो इंट्रोडक्शन को देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिसिटी क्या है, ठीक है, और इसमें हम क्या चीज़ें हैं जो डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है। इस पूरे चैप्टर का जो थीम है वो आपको पता चलेगा आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर। ओके, और सबसे पहली बात, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो देन मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, इससे जो है मुझे मोटिवेशन मिलेगी। ओके, सही, हम अपना जो है इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि एलिमेंट्स का आपको पता है, ठीक है, मैटर की फॉर्म है ना एलिमेंट भी, ठीक है, यानी कि किसका कोई ना कोई वेट होगा और वो क्या होगा, स्पेस ऑक्यूपाई करता होगा, तो एलिमेंट है, ठीक है। और आज तो जितने भी ज़्यादा एलिमेंट्स, ठीक है, इसका उर्दू में इसका मतलब होता है अंसर, ठीक है, या पार्ट, किसी चीज़ का पार्ट, उसको आप लोग एलिमेंट बोलते हो, ठीक है। जैसे कि आपकी बॉडी के काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर भी काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन है, ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो आपकी बॉडी के लिए डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसी तरह से इन एलिमेंट्स का जैसे जैसे हमें रोल्स केमिस्ट्री की में एडवांसमेंट आती गई, एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए, तो फिर क्या होता गया कि इन एलिमेंट्स को जो है वो अरेंजमेंट के लिए जो है वो रिक्वायरमेंट महसूस की जाने लगी, ठीक है। ओके, तो फिर यहाँ भी क्या हुआ कि एलिमेंट्स को जो है वो अरेंज करने की कोशिश की गई, ठीक है, और ये कब की गई थी, दैट इज इन द 19th century। काफी सारी जो है वो साइंटिस्ट ने क्या की थी, एफर्ट्स की थी, और इन एफर्ट्स के रिजल्ट में फिर क्या हुआ कि एलिमेंट्स को जो है वो एक टेबलर फॉर्म में अरेंज कर लिया गया, ठीक है, और वो किस बेस पे था, दैट इज ऑन द बेस ऑफ पीरियोडिक लॉ, ठीक है। पीरियोडिक लॉ के बेस पे जो है एलिमेंट्स को जो है वो किस में अरेंज कर लिया गया था, इन द फॉर्म ऑफ टेबल, ठीक है, सही है। और इसका जो था एक इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट फीचर ये था, ठीक है, इसका क्या फीचर था, इसका इम्पोर्टेंट कि इस तरह से इस टेबल फॉर्म में जो एलिमेंट्स अरेंज है ना, तो इनसे आप लोग पीरियोडिक लॉ की बेस पे उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को भी डिस्कवर कर सकते हो जो अभी मतलब डिपिक्ट कर सकते हो जो अभी डिस्कवर नहीं हुआ, ठीक है। वी कैन डिपिक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स दैट आर Not still discovered, ठीक है। अभी तक हमने क्या बात की, अभी तक हमने सिर्फ ये बात की है कि periodic table and periodicity, इस चैप्टर के अंदर हम एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे कि एलिमेंट्स कैसे कैसे जो है वो डिस्कवर होते गए विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस, ठीक है, विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड एडवांसमेंट ऑफ साइंस के अंदर किस तरह से आती गई, किस तरह से आपकी जो है वो डेली लाइफ में एडवांसमेंट आती गई, किस तरह से चीज़ों में एडवांसमेंट आती गई, उनमें एलिमेंट्स का कितना रोल है, तो एलिमेंट्स का रोल है तो जाहिर सी बात है उनको अरेंजमेंट के लिए फिर एफर्ट्स की गई, वो एफर्ट्स कहाँ तक ले गई साइंटिस्ट को, पीरियोडिक लॉ में तक जो है वो चले गई, ठीक है, पीरियोडिक लॉ डिवेलप हो गया, पीरियोडिक लॉ सारा कुछ हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। ओके, उसके बाद फिर वो पीरियोडिक जो है वो टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज कर लिया गया, ठीक है, और इस पीरियोडिक टेबल का एक फीचर था सिग्निफिकेंट, वो क्या फीचर था कि इससे हम लोग उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को भी डिपेक्ट कर सकते हैं जो अभी डिस्कवर नहीं हुई, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ ये बात की, उसके बाद टेबल के बारे में बताते हैं कि टेबल होता है ना, ठीक है, टेबल जो होता है टेबल, ठीक है, वो किस तरह का था, दैट इज कंसिस्टेड ऑन लाइन्स, ठीक है, वो दो तरह की लाइन्स थी, दैट आर वर्टिकल लाइन्स एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है, दीज आर कॉल्ड पीरियड्स, एंड दीज आर कॉल्ड ग्रुप्स,
मीन्स लेफ्ट टू राइट पीरियड्स एंड टॉप टू बॉटम आर ग्रुप्स, ठीक है। इनको उसने जो है वो इस फॉर्म में जो है वो एलिमेंट्स को अरेंज किया था, पीरियड्स की फॉर्म में एंड ग्रुप्स की फॉर्म में, वो भी सारा हम देखेंगे जाके डिटेल में। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, ओके। और यहाँ पे ग्रुप्स एंड पीरियड्स मैं थोड़ा सा बता ही दूँ, ठीक है। पीरियडिक लॉ क्या कहता है? पीरियडिक लॉ सबसे पहले जो है डिफरेंट साइंटिस्ट जो है वो डिफरेंट जो है वो अटेम्प्ट किए थे एलिमेंट्स को अरेंज करने के, उसमें सबसे पहले है जुब्रीनियर आता है, फिर न्यूलैंड आता है, देन मेंडलीफ आता है, ठीक है। मेंडलीफ ने जो है वो कैसे किया था अरेंज इसको? पीरियडिक लॉ की बेस पे। पीरियडिक लॉ कहता था कि उसने एटॉमिक मास की बेस पे सबसे पहले एलिमेंट्स को अरेंज किया था, ठीक है। और वो पीरियडिक लॉ उसमें ये कहता था कि एलिमेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर रिपीटिंग फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेस, ठीक है, पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेस, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें मॉडिफिकेशन है वो एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ग्रुप्स एंड पीरियड्स में उसको अरेंज किया गया, तो कोई बच्चा थी इसकी बेस पे उनको अरेंज किया गया था। हम नेक्स्ट इसकी जो है वो साइंटिस्ट ने जो एफर्ट की थी उसको देख लेते हैं, कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या एफर्ट की थी और वो क्यों फेल हुई, और फिर लास्ट जो हमारे पास पीरियड टेबल की फॉर्म आई वो कौन सी थी, ठीक है, ओके। सबसे पहले हमारे पास एक साइंटिस्ट आया, ठीक है, दैट वाज डुब्रीनियर। कौन आया था? डुब्रीनियर। आई थिंक स्पेलिंग्स आर ओके, ठीक है, डुब्रीनियर। डुब्रीनियर एक साइंटिस्ट आया था, ठीक है, जिसने क्या किया था, एलिमेंट्स को अरेंज किया था, और ये क्या थे? डुब्रीनियर ट्राइड्स। ट्राइड्स का मतलब थ्री ग्रुप, मतलब थ्री एलिमेंट्स को उसने ग्रुप बना लिया था, ठीक है। और डुब्रीनियर कौन था? ही वॉज एन जर्मन केमिस्ट। कौन था ये? जर्मन केमिस्ट, ओके। इसने जो है वो क्या किया था, एलिमेंट्स इन ग्रुप ऑफ थ्री, ठीक है, यानी कि तीन तीन एलिमेंट्स को उसने ग्रुप बना लिया था, जैसे कि 1, 2 एंड 3, तो ये एक ग्रुप है, ठीक है, जिसको आप लोग किसका नाम दे रहे हो? ट्राइएड का, ठीक है। और इसका एक और इम्पोर्टेंट फीचर ये वो कहता है कि जो सेकंड वाला एलिमेंट है ना, यानी कि जो मिडल वाला एलिमेंट है इस ट्राइएड का, उसका जो एटॉमिक मास होगा, ठीक है, इसका जो एटॉमिक मास होगा दैट इज द एवरेज ऑफ दीज टू एलिमेंट्स, ठीक है, यानी कि 1 + 3 / 2, तो दिस इज इक्वल टू द दिस मास। इन दोनों का मास का एवरेज जो होगा वो इसका मास होगा, ठीक है, उसने ये बोला था ट्राइड्स ने, ठीक है। जैसे कि यहाँ उसने एग्जांपल भी दी है, आपके पास जो है वो कैल्शियम है, ठीक है, उसके अलावा आपके पास स्ट्रोंशियम है एंड देन बेरियम है, उसने जो है इनका ट्राइड बनाया है, ठीक है। कैल्शियम का होता है 40, स्ट्रोंशियम का होता है 88 एंड बेरियम का होता है 137, ठीक है। जब आप लोग क्या करोगे, वन यहाँ पे 40 + 137 / 2 करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 88, ओके। तो दिस इज एन मास दैट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डुब्रीनियर ट्राइड्स, ओके। जिसने जो एलिमेंट्स को ट्राइड्स की फॉर्म में अरेंज किया था, उनके मैसेज को उसने जो है वो किस तरह से अरेंज किया था, यानी कि उस टाइम पे जितने 63 एलिमेंट्स हमें पता थे, ठीक है, तो उन 63 एलिमेंट्स को उसने जो है वो ट्राइड्स की फॉर्म में जो है वो अरेंज किया था, ठीक है। ट्राइड्स की फॉर्म में अरेंज करके उसने बोला कि जो मिडिल वाला एलिमेंट है वो बाकी दो एलिमेंट्स के मास का एवरेज होता है, ठीक है। और इस तरह से उसने कुछ एलिमेंट्स को ही अरेंज किया था, ठीक है, और ये जो है प्रोसेस एलिमेंट्स के अरेंजमेंट का ये फेल हो गया था, क्योंकि इससे जो है वो कुछ एलिमेंट्स ही जो है वो अरेंज हो पाए थे, सारे एलिमेंट्स नहीं हो पाए थे, ठीक है, तो ये एलिमेंट इसकी जो है वो लिमिटेड एप्लीकेशन हो गई, ठीक है, इसका ये आपके पास डीमेरिट हो जाता है। डीमेरिट इसका क्या होगा कि दिस वाज अप्लाइड टू ओनली फ्यू एलिमेंट्स, ठीक है,
सारे एलिमेंट्स को अप्लाई नहीं हो सका था, सारे एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, लिमिटेड हो गया, और इसकी एप्लीकेशन जो है वो लिमिटेड हो गई, हम इसको बाकी एलिमेंट्स को अप्लाई नहीं कर पाए, ठीक है। इसमें कुछ ही एलिमेंट्स जो है वो अरेंज हो पाए थे, सही है। उसके बाद फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक और साइंटिस्ट आया, जिसने उस टाइम पर जो 63 एलिमेंट्स थे, ठीक है, उनको क्या किया, उनको अरेंज करने की कोशिश की, ठीक है। तो उसको जो है वो नाम दिया गया न्यूलैंड ऑक्टेव्स का, ठीक है। यहाँ से हम चलते हैं आगे। न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, सही है। न्यूलैंड जाहिर सी बात एक साइंटिस्ट था, ठीक है। ऑक्टेव्स का मतलब होता है 8 एलिमेंट्स के ग्रुप की फॉर्म, ठीक है। 8 एलिमेंट्स को अरेंज किया था इसने, ठीक है। उसने क्या किया था, न्यूलैंड ऑक्टेव्स ने करेक्ट एटॉमिक मैसेज जो है वो एलिमेंट के डिस्कवर किए थे, ठीक है। अच्छा, इसने क्या किया था, एलिमेंट्स को जो है वो 8 ग्रुप्स की फॉर्म में अरेंज किया था, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा था, न्यूलैंड ऑक्टेव्स जो लुब्रिनिया ट्रायड्स में प्रॉब्लम आ रही थी, सारे एलिमेंट्स जो है वो अरेंज नहीं हो पा रहे थे, तो इसने क्या कहा था कि एलिमेंट्स को जो है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास 1 एलिमेंट है, ठीक है, और ये आपके पास जो है वो 7, और एवरी 8 एलिमेंट जो होता है उसकी प्रॉपर्टी जो है वो रिपीट होती हैं, ठीक है, पहले वाले एलिमेंट्स के साथ वो सिमिलर होती हैं, तो उसको जो है वो सेम ही ग्रुप में वो आते हैं, ठीक है। ये बात उसने की थी। और उसके बाद अगर यहाँ से भी आप लोग स्टार्ट करते हो, ठीक है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 7 और 8, यहाँ पे 9, तो 9 वाले की जो प्रॉपर्टीज होंगी, सॉरी 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अगर आप यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हो, तो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा 9 वाला, उसकी प्रॉपर्टीज इस वाले एलिमेंट के साथ सिमिलर होंगी। यहाँ पे जो आएगा 10 वाला, उसकी प्रॉपर्टीज इस वाले एलिमेंट के साथ सिमिलर होंगी, ठीक है। तो वो कहता है कि यहाँ पे आप लोग एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज करते हो, ठीक है, कि हर 8th एलिमेंट जो होता है अपने पहले वाले एलिमेंट से क्या होता है, अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करता है, ठीक है, जिसको आप उसने जो है वो न्यूलैंड ऑक्टेव का नाम दिया था, ठीक है। और इससे जो है वो मेजोरिटी ऑफ द एलिमेंट्स जो है वो अरेंज हो गए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मसला क्या आ रहा था न्यूलैंड ऑक्टेव्स में, कि इसमें इसमें भी जो है वो कुछ ही एलिमेंट्स अरेंज हो पाए थे, यानी कि मेजोरिटी ऑफ द एलिमेंट्स हो गए थे, लेकिन कहीं पर जाके सिस्टम जो है वो रुक गया था, एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पा रहा था, ठीक है। और फिर क्या हुआ, आपके पास नेक्स्ट सिस्टम आया, ठीक है, दैट वॉज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ओके। न्यूलैंड ने जो है फिर क्या हुआ, इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेस के बेस पे क्योंकि अरेंज किया हुआ था, ठीक है, इसका जो काम है वो क्यों नहीं ज्यादा एक्सेप्टेबल रहा, क्योंकि इसका डीमेरिट क्या था, इसका डीमेरिट ये था कि ही हैज लेफ्ट नो स्पेस, वैकेंट स्पेस फॉर द न्यू एलिमेंट्स या फिर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, ठीक है, नो स्पेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, ओके। अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए इसने स्पेस नहीं छोड़ी थी, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, सिस्टम रिजेक्ट, ठीक है। फिर इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास नेक्स्ट साइंटिस्ट आया, दैट वाज मेंडलीव्स, ठीक है। मेंडलीव ने अब क्या किया यहाँ पे, मेंडलीव क्योंकि इस न्यूलैंड ऑक्टेव में भी मसला आ रहा था, ठीक है, कि हर 8th एलिमेंट तो प्रॉपर्टीज रिपीट तो कर रहा है, ठीक है, अरेंजमेंट भी हो गई एलिमेंट्स की, लेकिन क्या हुआ है कि इसने कोई वैकेंट स्पेस नहीं छोड़ी जो अभी एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए, ठीक है। और इसने किस बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया था, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेस, ठीक है, किस बेस पे किया था, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मैस, ओके। आई होप इट्स क्लियर। हम आगे चलते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पे, कि अब क्योंकि इसने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए स्पेस नहीं छोड़ी, तो ये भी एक प्रॉब्लम था, जिसके जिसकी वजह से ये सिस्टम जो है वो ज़्यादा वाइड एक्सेप्टेंस नहीं ले सका, ठीक है। तो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आया इस प्रॉब्लम को हल करने, इसने भी क्या किया था, 63 एलिमेंट्स जो डुब्रिनियर ने उस टाइम पे पता थे उनको अरेंजमेंट करने की कोशिश की थी, इसने जो है डुब्रिनियर का जो मसला आया था,
ठीक है, कि वो सारे एलिमेंट्स को रेज नहीं कर पाया था इस तरह से, ठीक है, एवरेज निकाल के, तो फिर न्यूलैंड ऑक्टिव आया। इसमें भी मसला आ गया कि इसने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए स्पेस नहीं छोड़ी। इस मसले को हल करने के लिए फिर क्या हुआ, नेक्स्ट साइंटिस्ट आया, दैट वाज मेंडलीव। क्या नाम था उसका? मेंडलीव। उसको आप लोग साथ साथ नोट डाउन करते जाए, ओके। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, शॉर्ट फॉर्म में पीरियोडिक टेबल लिखा है, ठीक है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब इसने क्या किया था, अब न्यूलैंड ऑक्टेव में जो मसला आ रहा था कि एलिमेंट्स को उसने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए स्पेस नहीं छोड़ी थी, ठीक है, तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने क्या किया, इसने भी जो है वो मेंडलीव जो है हमारे पास एक क्या है, रशियन केमिस्ट, ही वॉज इन रशियन केमिस्ट, ठीक है। इसने क्या किया था, अरेंज एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ठीक है, इसने भी एलिमेंट्स को अरेंज किया था इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे, सॉरी एटॉमिक मास की बेस पे, ठीक है, एटॉमिक मास की बेस पे इसने जो है इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बेस पे इंक्रीज किया था, मतलब अरेंज किया था, ठीक है, और इससे जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स जो है वो अरेंज भी हो गए थे, ठीक है, और इसका मेरिट ये था कि इसने मेजॉरिटी क्या, तकरीबन सारे ही एलिमेंट्स जो है वो इससे क्या हो गए थे, अरेंज हो गए थे, ठीक है, उस टाइम पर जितने भी एलिमेंट्स पता थे 63 एलिमेंट्स, ठीक है, वो सारे अरेंज हो गए थे। मेरिट इसका ये था कि ही लेफ्ट वैकेंट स्पेस, ठीक है, वैकेंट स्पेस उसने छोड़ी थी, वैकेंट स्पेस या वैकेंसी, वैकेंट वैकेंसी छोड़ी थी या फिर स्पेस छोड़ी थी फॉर न्यू एलिमेंट्स, ठीक है, क्योंकि अनडिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए इसने स्पेस छोड़ी थी, ठीक है, और ये जो है वो सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर सका था, ठीक है, और इसके अलावा इसका डीमेरिट क्या था, इसका भी डीमेरिट था, क्या डीमेरिट था, कि जो एलिमेंट्स के अरेंजमेंट उसने एटॉमिक मैसेज के बेस पे की थी वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक थी, कैसे, कि जैसे यहाँ पे लिथियम बेरिलियम नॉट ऑन फ्राइडे, ऐसे ही होते हैं ना हमारे पास, ठीक है, लिथियम का था मैस आपके पास 3, ठीक है, जो बेरिलियम का मैस कैलकुलेट किया गया था दैट वाज 12 पॉइंट समथिंग, ठीक है, यहाँ पे 11 पॉइंट समथिंग था, 13 पॉइंट समथिंग उसका मैस था, ठीक है, फिर क्या हुआ, तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए, इस हिसाब से क्या होना चाहिए, कार्बन का 12 होता है तो इसको जो है वो कार्बन के बाद आना चाहिए, ठीक है, फिर इस मसले को हल करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, मेंडलीव ने क्या किया, उसने बोला कि हम पहले इसका मैस कैलकुलेट करते हैं फिर इसकी पोजीशन को डिसाइड करेंगे, अगेन इसका मैस कैलकुलेट किया गया तो वो मैस कितना आया था, दैट वॉज लिथियम 3 एंड दैट वॉज अबाउट 9 एंड समथिंग, ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ कि ये इसका मैथ जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो रहा था काफ़ी एलिमेंट्स का, तो ये जो है वो सिस्टम ये भी जो था इसमें भी इम्प्रूवमेंट की हमें ज़रूरत पड़ी, तो फिर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो कि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ की भी जो है वो बेस बना, ठीक है, दैट वॉज वो टेबल, वो जो लॉ है वो क्या कहता है कि एवरी 8th एलिमेंट, जैसे कि ये 1 एलिमेंट है, ये 7th, और हर 8th एलिमेंट जो है जिनको एटॉमिक मास के बेस पर रिअरेंज किया गया है क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करता है, ठीक है, यानी कि सिमिलर होती है उसके पहले एलिमेंट्स के साथ, ठीक है, जैसे यहाँ पर दूसरा है, ठीक है, तो यहाँ पर नवा आएगा इसके बाद तो उसकी प्रॉपर्टीज इसके साथ सिमिलर होंगी, तीसरे के बाद दसवां यहाँ पर जो आएगा, यानी कि अगर यहाँ पर से कैलकुलेशन करते हो 7 के बाद 8 वाले की, ठीक है, उसके बाद 2 के बाद 9 वाले की प्रॉपर्टीज जो है वो इसके साथ सिमिलर होंगी, उसके बाद यहाँ से अगर आप स्टार्ट करते हो तो एवरी 10th एलिमेंट जो इसके नीचे आएगा उसकी प्रॉपर्टीज इनके साथ सिमिलर होंगी, सही, तो यहाँ पे उसने क्या किया था, इस तरह से अरेंजमेंट की थी, ठीक है, तो ये उसका डीमेरिट ये था कि मैथ के बेस पे और पीरियोडिक लॉ को हम लोग जब देख रहे थे, ठीक है, कि वो भी मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज, ठीक है,
तो ये था पीरियोडिक ला, पहले पीरियोडिक मेंडेलीव टेबल का, ठीक है, जिसने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, ओके। फिर क्योंकि मास जो है वो प्रॉब्लमैटिक हो रहा था, तो फिर उसने क्या दिया, उस टाइम जितने एलिमेंट्स पता थे उसने उसको अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, इस बेस पे अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, ओके। अब एटॉमिक नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एटॉमिक नंबर, इसके कुछ प्रॉपर्टीज थी जिससे एटॉमिक नंबर जो होता है हमने वही यूज़ क्यों किया ना मेंडेलीव ने, मास को चेंज करके नंबर को क्यों चूज़ किया, क्योंकि इट इज़ एन फिक्स क्वांटिटी, हर एलिमेंट का अपना फिक्स एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, मास वेरिएबल होता है ना सबका, लेकिन हर एलिमेंट का जो है वो क्या होता है, फिक्स एटॉमिक नंबर होता है। और इसके अलावा ये जो होता है वो आपके पास एक पीरियोडिक मैनर में इंक्रीज होता है, पीरियोडिक मैनर में इंक्रीज होता है, ठीक है, कैसे, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्राइडे का डे, ठीक है, फ्राइडे के बाद क्या आता है सैटरडे, देन आता है संडे, देन आता है मंडे, देन आता है ट्यूसडे, ठीक है, देन आता है वेंसडे, ठीक है, उसके बाद थर्सडे एंड देन फ्राइडे। तो आपका फ्राइडे जो है एक रेगुलर इंटरवल पे रिपीट हो रहा है ना, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि फ्राइडे के बाद जो है, ठीक है, नेक्स्ट फ्राइडे के बाद जो है वो संडे आ रहा है रेगुलर इंटरवल पे, ऐसा तो नहीं है, रेगुलर इंटरवल पे फ्राइडे के बाद फ्राइडे ही आता है, ठीक है। इसी तरह से क्या होता है कि इनकी जो एटॉमिक नंबर्स हैं वो क्या हो रहे होते हैं, सेम चल रहे होते हैं, लेफ्ट और राइट इंक्रीज हो रहे होते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि जो फ्राइडे था ये आपके मंथ का फर्स्ट वीक का फ्राइडे है, ठीक है, और ये आपका थर्ड वीक का फ्राइडे है, चेंज तो आया ना, ठीक है, नंबर तो इंक्रीज हुआ ना, ठीक है। इसी तरह से वो कह रहा है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो रेगुलर इंटरवल पे एक तो इंक्रीज होती हैं, ठीक है, और इसके अलावा ये फिक्स क्वांटिटी होती है हर एलिमेंट की, ये दो बातें उसने यहाँ पर बताई, ओके। अच्छा, इसकी वजह से हमारा इसका जो पीरियोडिक ला था वो भी चेंज हो गया, ठीक है, दैट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स को शो कर रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हीलियम, इस तरह से इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एवरी एट्थ एलिमेंट की क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब उस टाइम पे जब मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में मैसेज को यानी कि जब न्यूलैंड ऑक्टिव में अरेंज किया जा रहा था ऑक्टिव्स की फॉर्म में, तो उस टाइम पर नोबल गैसेस नहीं थे डिस्कवर हुई, ठीक है, जब मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में जब ये डिस्कवरी हुई नोबल गैसेस की, तो यहाँ पे सेवन की बजाय एट ग्रुप भी आ गया, ठीक है, एट ग्रुप भी आ गया ना नोबल गैसेस का, तो अब यहाँ पे एट्थ एलिमेंट तो नहीं है, ठीक है, वो तो अब नाइन्थ हो गया। तो इनकी प्रॉपर्टीज वो कहता है कि भैया क्योंकि अब आपने इसको एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज किया है, तो एवरी एलिमेंट जो कि क्या होगा एक रेगुलर इंटरवल के बाद अपनी प्रॉपर्टीज को इंक्रीज जो है वो रिपीट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एट ग्रुप्स आपके पूरे हो गए, ठीक है, वहाँ पे पहले तो हमने एट पीछे किया था ना, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो एवरी नाइन्थ एलिमेंट, ठीक है, रेगुलर इंटरवल के बाद जो है वो रिपीट करेगा, ठीक है जी। सर मैंने इसकी एग्जांपल दी, ठीक है, नंबर भी इंक्रीज हो रहा है चाहे डे वही है, ठीक है, लेकिन उसका नंबर तो इंक्रीज हो गया ना, मंथ का फर्स्ट फ्राइडे है, फर्स्ट वीक का, ये थर्ड वीक का फ्राइडे है, डिफरेंस तो आया, बेशक है तो फ्राइडे ही, ठीक है, सेम एलिमेंट तो एलिमेंट ही है, ये भी एलिमेंट है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ है, ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, सिमिलर, फ्राइडे फ्राइडे, नंबर चेंज, ये बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से एलिमेंट एलिमेंट, नंबर चेंज, प्रॉपर्टी सिमिलर, सही है, ये बात उसने यहाँ पे किया। इस तरह से उसने क्या बोला कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर रिपीटिंग इन रेगुलर इंटरवल, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। अब यहाँ पे उसने किस बेस पे अरेंज किया था, एटॉमिक नंबर्स के बेस पे, तो पीरियोडिक ला में एटॉमिक मास की बजाय क्या आ गया, एटॉमिक नंबर, ठीक है। और आपको जो ये पीरियोडिक ला था एटॉमिक नंबर वाला, ये मोस्टली ने दिया था 1930 के अंदर, 1930
मोजली, सही है। क्या दिया था इसने? पीरियोडिक ला। वो कौन सा पीरियोडिक ला था? मॉडर्न पीरियोडिक ला। एमसीक्यू उसके लिहाज से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए आप उसको अच्छे तरीके से याद कर लो। आपके बुक में अलग से पिंक बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, जिसमें पीरियोडिक ला वही है लेकिन मैथ्स की जगह पे उसने एटॉमिक नंबर यूज कर लिया, ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज था पहले प्रीवियस में, और मॉडर्न में क्या हो गया? द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, ठीक है, ये बात की है। ओके, अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।